जाएंगे। जो लोहे अजल में लिखा है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे। हमने इमरान खान को वोट इसलिए दिया कि ये रियासत मदीना की बात करता है, तो यहाँ उल्टा ये हुआ कि हमारे हेल्थ में नो और एमएनए की सूरत में मौजूद है। वो आवाम की नुमाइंदा भी नहीं और खसूसन वो मुलाजमीन की नुमाइंदा कभी भी नहीं है। मैं इस स्टेज के अपनी बात को खत्म करूंगा। इज्जत नफ्स किसी मुलाजम की महफूज नहीं, इज्जत नफ्स किसी मुलाजम की महफूज नहीं। अपने ही नेक एफबीआई को, एफबीआई को, नेक को, जुडिशरी को 2-2% 2-2% देने हो, इस मुल्क को चलाने वाला तो कहीं सामने मेरे बेटा है। अगर इस नियाजी हुकूमत ने इन मुलाजमीन को रोडों पे ला खड़ा कर दिया है और मैं अपने मरकजी और सूबाई कायदीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तारीख में पहली दफा इंतहाई मुनज्जम अंदाज में इस जलसे के रिकॉर्ड पर मैं तमाम इंतजामिया को भी और हजारा डिवीजन के बासियों को भी खराज तहसीन। हम सरकारी मुलाजमीन हैं, हमारे कोई सियासी अजायब नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जब कोई हमारे ग्रेवाल में हाथ डालता है तो हम उसको ग्रेवाल से जरूर पकड़ेंगे। मेरे भाइयों, ये बात न करने से छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुर्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। एक मिनट देते ये भी बड़ा जुल्म। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे गेट पे पूछा गया कि मोहतरमा आप क्यों आई, तो मैं बड़े फखर से कहती तैयार है, आप सारे से वादी के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने जो हुकूम किए हैं असर ये है कि आपको पता है कि हमें जो हुक्मरान मुसलत है, जो नए हुक्मरान से हमारा वास्ता पड़ा है, तो जो उनकी हुकूमत आई तो रावलपिंडी प्रेस क्लब में हुआ, वहां पे आए हुए कायदीन ने मुतफिक का तौर पे 10 सितंबर को मुतालबा छोड़ देंगे कि हमारे तनख्वाहों में इजाफा करो, हमारे इरहाक रिलीफ को बुनियादी बेसिक पे में जम करो, हमें यकसान स्केल दो, हमें हाउस रेंट मौजूदा तनख्वाह पे दे दो, हमें मुख्तलिफ तंजीमों की कायदीन और मेरे सामने मेरे अय्यूर असातिदा और सारे सरकारी मुलाजमीन मेरे भाइयों, मुझे एहसास है तकरीबन 9 बजे से आप लोग आई ही, मैं तकरीर नहीं करता हूँ, सिर्फ एक दिन मेरे भाइयों, हमारा ग्रैंड एलायंस जो है इसका मकसद सिर्फ ये है कि इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो। मुझे पता नहीं है इधर मुनास साहब ने 10 तारीख रखा है,
ख्वाहिश थी कि मैं चेयरमैन बनूं। मैंने समीउल्लाह और रियाज बहार जितने मेरे बड़े हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा नाम ना आए। मैं मेरा रिटायरमेंट में सिर्फ 5 महीने बाकी है। खुदा करे कि पेंशन में अपने बच्चों के लिए ले जाऊं, लेकिन मुझे पता है जब जुल्मो सितम के कोहे गिरा, जब जुल्मो सितम के कोहे गिरा, रुई की तरह उड़ जाएंगे। जब जुल्मो सितम के कोहे गिरा, रुई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूम